इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y. देखो पैरेललोग्राम के फोर वर्टाइसेस दिए हुए हैं ऑर्डर में, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी डी इस टाइप का. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. ये x और y मिसिंग हो गए यहाँ पर, x और ये y, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. पैरेललोग्राम मालूम है आपको कैसी रहती है? तो करीब करीब इस टाइप की पैरेललोग्राम रहती है, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल रहती है इसकी. अब देखो इसमें टेकन इन ऑर्डर बोला है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो. तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी डी. ए के कोऑर्डिनेट ले लो 1, 2, बी के 4, y, सी के x, 6 और डी के 3, 5. तो ये जो एक्स और वाई दिख रहा है आपको, ये एक्स और ये वाई, ये दो कोऑर्डिनेट मिसिंग हो गए इसके, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको. ए सी एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल हो गया बी डी, ये पी पॉइंट दे दिया मैंने. तो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो वी कैन से दिस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड पी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. तो पी जो है वो ए सी और बी डी दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना. बस हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी. एज वी नो दैट, एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी, ए सी एंड बी डी. पी जो है वो ए सी और बी डी दोनों का मिड पॉइंट है. तो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपने पास में, दैट इज पी को अगर अपन ए सी का मिड पॉइंट ले ले तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से 1 + x / 2, 1 + x / 2 और y1 + y2/2, तो 2 + 6/2, इज इक्वल टू, ये बी डी का भी मिड पॉइंट है पी इस बी डी का, तो इसको x1 + x2/2, तो 3 + 4/2, 3 + 4/2, y1 + y2/2, इसको y1 ले लो, इसको y2 ले लो, तो 5 + y/2, 5 + y/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर. पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, तो ए सी का मिड पॉइंट इधर लिख दिया और बी डी का मिड पॉइंट उधर लिख दिया. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये 1 + x / 2, 3 + 2 + 6, 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 4 = 7/2 और ये 5 + y/2. अब दोनों साइड में देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लो, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर लो. तो देयरफॉर 1 + x / 2 इज इक्वल टू, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट है 7/2, ये 2 2 दोनों के अपॉन में कैंसिल कर लो, 1 + x = 7. सो एक्स इज इक्वल टू 7 - 1, 1 को सेट कर लो, सो एक्स इज इक्वल टू 7 - 1 = 6. ये एक आंसर आ गया आपका, यहीं पे कर देता हूं मैं. एंड वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लो, 5 + y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 इज इक्वल टू 5 + y, y को ही रहने दो,
फाइव को इधर शिफ्ट कर लो, एट माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू एट में से फाइव माइनस कर लो तो थ्री, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया।